डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अपेरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इन अ लिफ्ट। एक पर्सन जब किसी लिफ्ट में या हम आप जब किसी लिफ्ट में शिफ्ट होते हैं, मूव करते हैं, तो लिफ्ट हमारे साथ साथ एक्सेलरेट होती है वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। उस समय हमारे जो अपेरेंट वेट है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है? सो अपेरेंट वेट इन अ लिफ्ट, अपेरेंट वेट इन अ लिफ्ट, दिस वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी। एक पर्सन का अपेरेंट वेट होता क्या है? अपेरेंट का मतलब होता है इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब होता है जो एक्चुअली होगा ही नहीं, ठीक है? आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो, हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है और बेसिकली ये जो आप पढ़ने जा रहे हो वो थर्ड लॉ से ही रिलेटेड है और इसीलिए वहां पे एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होंगे। तो होता क्या, सपोज एक पर्सन है वो इस वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है, इट इज द वेइंग मशीन, ठीक? और ये जो पर्सन है जो इस वेइंग मशीन पे इस तरह से खड़ा है वो क्या करेगा, वो पर्सन इस वेइंग मशीन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्शन क्रिएट करता है, ओके? और इस पर ये आपका रिएक्शन हो जाएगा वेइंग मशीन का उस पर्सन पे। तो जो वेइंग मशीन है उसने क्या किया है, रिएक्शन प्रोवाइड किया है। तो जो वेइंग मशीन का रिएक्शन है वो एक्चुअली किसकी वजह से है, आपके वेट की वजह से, जो उस वेइंग मशीन में एक्शन की तरह काम कर रहा है, इट इज द एक्शन। एंड व्हाट इज एक्शन, वेट ऑफ द बॉडी, दैट इज एमजी, ठीक है? तो जब आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होते हो, उस पे स्टैंड करते हो, तो आपका जो फोर्स है वो उसके अंदर की जो स्प्रिंग है उसको रोटेट करने की कोशिश करता है और उसी में वो पॉइंटर लगा हुआ है जो निडल है, वो उस फोर्स की वजह से स्प्रिंग जब कंप्रेस होती है उसके डिफॉर्मेशन होता है तो वो निडल आपकी धीरे से रोटेट कर जाती है। तो एक्चुअली वो जो आपका फोर्स है वो इस निडल को रोटेट कराता है, ठीक है ना, दिस वन। तो वो जो आपका रोटेशन, निडल का जो रोटेशन है वो आपके वेट की वजह से, और इसीलिए वेट धीरे धीरे जैसे इंक्रीज होगा उस मशीन पे तो आप क्या, निडल क्या करती है, रोटेट करती जा रही है। और निडल जब रोटेट हो रही है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक गई, इसका मतलब ये है कि उस पोजीशन पे आने के बाद अंदर का जो स्प्रिंग है उसने बाहर का जो वेट है, फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो उसको बैलेंस कर लिया है, ठीक है? और अगर वो बैलेंस कर लेगा इन दैट केस अब जो स्प्रिंग का पॉइंटर है वो आगे की ओर नहीं जाएगा। तो आपको उससे क्या समझ में आता है, आपको समझ में आता है कि आपका जो निडल जिस पोजीशन पे आके रुका है वही आपके फोर्स के, आपका जो वेट है उसको मेजर कर रहा है। यानी आपने जो फोर्स वेट के फॉर्म में मशीन पे अप्लाई किया है वो उस पॉइंट को मेजर कर रहा है। यहीं से हमको समझ में आ जाता है कि हमारा वेट 70 kg है, 75 है, 73 है, समथिंग इस तरह से, ठीक है ना? सो ये चीज, तो आपका जो वेट मशीन ने शो किया है दैट इज अपेरेंट वेट, वही आपका क्या बन जाता है, अपेरेंट वेट बन जाता है। क्यों, वो आपका एक्चुअल वेट क्यों नहीं है? वो आपका एक्चुअल वेट इसलिए नहीं है क्योंकि आपका जो वेट है दैट इज जो फोर्स आप वेट के फॉर्म में उस वेइंग मशीन पे अप्लाई करते हो, ठीक है, उसका कुछ पार्ट उसके अंदर का जो स्प्रिंग अरेंजमेंट है उसको मूवेबल बनाने के लिए स्पेंड हो गया। आपके फोर्स का कुछ पार्ट उस अंदर के मैकेनिज्म को स्टार्ट करने के लिए कंज्यूम हो जाता है, ठीक है ना? तो जो मशीन रीड करती है तो उस पार्ट को रीड नहीं करेगी। तो आपका जो वेट है वो एक्चुअली रिफ्लेक्शन, जो मशीन का जो रिफ्लेक्शन है वेट का, उससे कुछ ज्यादा ही हो सकता है। मशीन का पॉइंटर जो आपको वेट शो कर रहा है आपका एक्चुअल वेट उससे थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है? लेकिन उस चीज को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो आपका जो वेट है वही मशीन ने वही बताया है, एंड दैट इज अपेरेंट वेट। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब ये जो आपका पर्सन है इस पे देखिए वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, इस बॉडी का वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड इस पर्सन पे एक्ट हो रहा है और इसी पर्सन पे रिएक्शन कैपिटल आर वो भी वर्टिकली अपवर्ड एक्ट हो रहा है। अब देखो हम इसी अरेंजमेंट को थोड़ा सा एक पर्सन के रिस्पेक्ट में डिफरेंट फॉर्म में अलग बनाने जा रहे हैं। जैसे सपोज ये एक पर्सन है, ठीक है, ये वही पर्सन है और इसका जो वेट है वो है वर्टिकली डाउनवर्ड, जो वेट इसका वो भी एक तरह का फोर्स है इस बॉडी पे एक्ट हो रहा है और इस वेइंग मशीन का जो रिएक्शन फोर्स है वो भी क्या होगा, इसी पर्सन पे एक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये जो आपका पर्सन है दिस वन उस पे एक फोर्स
रिएक्शन फोर्स है कैपिटल आर, वो उसको अपवर्ड ले जाना चाहता है। वेइंग मशीन का बॉडी का खुद का वेट है, ठीक है, एम जी, वो उसे डाउनवर्ड पुल करना चाहता है। बट ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो किसी भी तरह से कहीं भी ना ही वर्टिकल ना ही डाउनवर्ड कोई मोशन शो नहीं करता है, और इसलिए ये दोनों ही जो फोर्सेस आप शो कर रहे हो इनका जो इफेक्ट होगा इसके वो क्या हो गया, जीरो हो गया। दैट मींस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज जीरो। तो जब आप नेट फोर्स निकालते हो तो कैसे निकालोगे, ये भी एक तरह का फोर्स है, ये भी एक तरह का फोर्स है, और दोनों ही एक दूसरे पे वर्टिकली अपोजिट है, एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, उन फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें वेक्टोरियली उन्हें एड करना होता है। तो यहां पर क्या होगा, वेक्टर आर प्लस वेट, इनका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, जीरो। बट देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब वेक्टर आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेट। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है, इट मींस दैट रिजल्टेंट, ये जो रिएक्शन फोर्स है और ये जो वेट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, जीरो आएगा। और वो किस लिए, क्योंकि दोनों ही क्या होंगे, इक्वल है और अपोजिट है। ये मुझे कैसे पता चला इक्वल अपोजिट, क्योंकि इसका जो मोशन है वो नहीं हो रहा है, जीरो हो रहा है। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज करने जा रहे हैं, क्लियर। तो आप देखते हैं कि वेइंग मशीन को जब हम लिफ्ट में रख के उस पे एक पर्सन को स्टैंड करते हैं, स्टेबल करते हैं, तो आपका जो अपेरेंट वेट है उस पर्सन का कैसे चेंज होता है विद द मोशन ऑफ द लिफ्ट, क्लियर। लेट्स सी, ये एक लिफ्ट है और यहां पे एक वेइंग मशीन है, दिस वन इज द वेइंग मशीन, देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन दिस वेइंग मशीन, ठीक है। अब ये जो पर्सन है उसका जो वेट होता है, किसी भी बॉडी का वेट उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हम सपोज करते हैं कि ये उसका एक पॉइंट है जिसे हम कहते हैं उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और वहां से ये उसका जो वेट है जिसे आप एम जी कह सकते हो, इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। नाउ व्हाट, it is the reaction force acting on the person, it is the reaction force acting on the person, is that clear? So it is the condition of a person in a lift, inside a lift. Now the lift will start moving, lift will start moving, aur wo jis tarah se move karti hai step by step hum usko define karne ja rahe hain. Is that clear? Diagram सब में एक ही रहेगा, बस motion की वजह से lift की जो condition है वो change हो जाएगी, clear? तो चलिए देखते हैं क्या होता है। Case one, जो पहला case है, क्या लिख सकते हो आप? The first case you can say is lift is moving upward और डाउनवर्ड विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। सो व्हाट इज द फर्स्ट केस, द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी इज constant, and if velocity is constant, therefore acceleration produced will be zero. Acceleration produced will be zero, isn't it clear? Therefore net force is equal to mass into acceleration will be equal to zero. Is that clear? क्योंकि हमें मालूम है कि acceleration किसी भी body में जब produce होगा तो उसका जो net force है, acceleration हमेशा net force की वजह से ही exist करता है, और अगर हमारा net acceleration zero हो गया तो net force की value क्या होगी, m into a, Newton second law, तो उसकी value क्या हो जानी चाहिए, zero. Why it is? Because acceleration is zero, therefore this product will be zero. Is that clear? Now the lift is moving upward or downward. तो यहाँ पे हम किसी भी एक डायरेक्शन में हम एरो बना दे रहे हैं जो लिफ्ट के मोशन को शो करता है। So suppose lift is moving
अपवर्ड. वेलोसिटी क्या है? कॉन्स्टेंट, एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो. अगर लिफ्ट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड जाएगा तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा, नेट एक्सेलरेशन, दैट विल बी जीरो. तो हमें ये कंडीशन मिलेगी. Now what is the net force acting on this person when the lift is going upward or downward with constant velocity? What is the net force? Net force may be R minus mg. ठीक है, net force will be R minus mg. क्यों ऐसा? Look here, मैं इसको erase करता हूँ, फिर से आपको बता रहा हूँ. देखिए ये जो आपका arrow है, this one. This arrow shows the direction of motion of lift, clear? और इसीलिए हम suppose करते हैं कि अगर lift इस arrangement के साथ upward direction में जा रहा है, that means this upward force capital R is greater than downward force. That means force R is greater than mg. Is it clear? So net force is equal to R minus mg. Greater force minus smaller force. So net force will be R minus mg. And net force is equal to m into a, and that is zero. Therefore, R minus mg is equal to ma, that is zero. And that is R is equal to mg. What it means? It means that कि in this condition, for this condition, apparent weight of a person is equal to actual weight of the person. Apparent weight of the person, that is R, reaction force, is equal to actual weight, true weight of the person, that is mg. No effect on the weight of the person. Is it clear? So, ये जब केस आप यूज करोगे कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड डाउनवर्ड कोई भी मोशन होगा तो वहां पे आपको रिजल्ट यही मिलेगा, नो इफेक्ट ऑन द एपरेंट वेट विल बी इक्वल टू एम इनटू जी, दैट इज ट्रू वेट. क्लियर है दिस वन? इट इज द फर्स्ट केस. नाउ व्हाट विल बी द सेकंड फेज, सेकंड कंडीशन? सेकंड केस में, सेकंड कंडीशन में आप क्या देख सकते हो कि लिफ्ट हमारी अपवर्ड मूव करेगी एंड विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन. अब हम वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं कर रहे, देयर मे बी सर्टेन एक्सीलरेशन. ओके, सो लेट्स सी. नाउ इट इज केस टू. इट इज केस टू. एंड व्हाट इज केस टू? लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद constant acceleration. Is that clear? तो हमारी जो lift है अब वो vertically upward move कर रही है and with constant acceleration. ठीक है, तो हमारा ये जो condition है वहां पे भी हम show करेंगे, उसको हम change करेंगे. तो motion का जो arrow है वो तो सही है. ठीक है, lift is moving upward with acceleration and that is constant. So acceleration in this case is not equal to zero. Acceleration in this case is not equal to zero. Okay? There exists an acceleration, and therefore there will be a net force. True? So net force. What is the net force is equal to? As the lift moves upward, and therefore again R is greater than mg, is equal to R minus mg, and you can write here R is greater than mg. Since R is greater than mg, therefore net force will be R minus mg. Okay, ठीक है. So it is net force according to Newton's second law. We are applying it according to Newton's second law. Net force is equal to mass into acceleration. Done. Mass into acceleration, R minus mg, it is the value of net force, is equal to m into a, implies R is equal to mg plus ma. What you can see here, we can see that apparent weight of a body in this case
In this case, apparent weight of a body becomes greater than its actual weight. Apparent weight of a body becomes greater than its actual weight by the value m into a. Did you get that? क्या आपको इस समझ में आया क्या कह रहा है? इसके कहने का मतलब है कि अगर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सिलरेट करती है विद कांस्टेंट एक्सिलरेशन, इन दैट केस द एपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इनसाइड द लिफ्ट बिकम्स ग्रेटर देन इट्स एक्चुअल वेट एंड देयरफॉर रीडिंग इन द रीडिंग ऑफ दिस वेइंग मशीन विल इंक्रीज Clear? So apparent weight of a person becomes greater when the lift is moving upward with constant acceleration, and by which amount it will greater? m into a. ठीक है ना? So ये हमारी condition, ये हमें ध्यान रखना है कि when the lift moves upward with an acceleration, apparent weight increases. Clear? It is the second case. Now what is the third case? What is the third case? Third case may be lift is accelerating downward. Third case, lift is accelerating downward. Lift is accelerating downward. So what is that? In this case, arrow will be changed. What will be the change in the arrow? It will point vertically downward, and again acceleration is not equal to zero. Get that? Now again the whole process. Net force. What is the net force? Is equal to this time the lift and this whole arrangement is moving vertically downward, and therefore the mg will greater than r, and you can write here net force is mg minus r. In bracket you can write because mg is greater than r. Is it right? This one. Mg is greater than R. Okay. So, therefore, according to Newton's second law, Mg minus R is equal to M into A. This one, net force is equal to mass into acceleration. This implies Mg is equal to R plus Ma. This implies Mg minus Ma is equal to R. What this statement says? ये स्टेटमेंट कहता है कि इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इन दैट केस एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी, एपरेंट वेट ऑफ द पर्सन विल डिक्रीज. व्हाई डिक्रीज? बिकॉज ट्रू वेट माइनस एम इन टू है. सो एपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी विल डिक्रीज, एंड बाय विच अमाउंट इट विल डिक्रीज? बाय द अमाउंट एम इन टू ए. व्हाट इज द डिक्रीजिंग अमाउंट? एम इन टू ए. Isn't it? So, when the lift is accelerating downward, you will get that your apparent weight is reducing. Okay? So, these are three specific conditions. First, case one, when the lift is moving with constant velocity upward or downward, no effect in apparent weight. Second case was that lift is accelerating upward with constant acceleration. In that case, we saw that apparent weight increases by the small amount m into a. And in this case, case 3, when the lift is accelerating downward, then the apparent weight decreases by the amount m into a. Clear? और इसीलिए जब आप लिफ्ट में मूव करते हो, लिफ्ट आपको लेके या कलेक्शन को लेके अपवर्ड या डाउनवर्ड एक्सेलरेट होती है, तो लिफ्ट एक्सेलरेट कब होती है?
एक्चुअली जब लिफ्ट स्टार्टअप होती है तो पहले तो स्टेट ऑफ रेस्ट पे थी, और जब उसे ऊपर की ओर या डाउनवर्ड डायरेक्शन में रन करना है तो ऑफकोर्स उसे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, और स्पीड बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेट होना। दैट मीन्स वहां पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। इज दैट क्लियर? सो देयर इज एन एक्सेलरेशन वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड, बट आफ्टर अटेनिंग अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक वेलोसिटी, पर्टिकुलर वेलोसिटी जिससे कि वो अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर सके, उसको गेन करने के बाद लिफ्ट फिर से क्या होती है, कॉन्टिन्यूअसली वो यूनिफॉर्म मोशन में रन करने लगती है। ठीक है, तो हम ये जो सेकेंड और थर्ड केस देख रहे हैं जिसमें लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है अपवर्ड और डाउनवर्ड, इन दैट केस वो तभी है जब लिफ्ट स्टार्ट होती है। ठीक है ना, आपको लेके लिफ्ट अपवर्ड स्टार्ट करती है, आपको लेके लिफ्ट डाउनवर्ड स्टार्ट करती है, ये वो कंडीशन है। और अब जब लिफ्ट में जाएगा तो ध्यान दीजिएगा कि लिफ्ट जब अपवर्ड जाती है तो आपको लगता है कि आपके पैरों में कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है ना, लगता है सर हेड जो है साथ थोड़ा सा भारी बना गया है। लेकिन जब लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट करना स्टार्ट करती है तो लगता है कि आपने देखा होगा यूजुअली ये एक प्रैक्टिकल वो है कि हमारा स्टमक है उसमें कुछ खलबली होने लगती है, हमें ऐसा लगता है कि अंदर से कुछ गुदगुदी जैसी हो रही। सो दैट इज व्हाई इट इज ड्यू टू दिस रीजन। ठीक, क्योंकि हमारा वेट लॉस हो रहा होता है। ठीक है, तो दिस, लेकिन ये बहुत ही मिनिमम टाइम के लिए है, 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड, जब तक लिफ्ट उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को गेन नहीं कर लेती जिससे कि वो अपने आप को अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव कर सके विद कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्मली। ठीक है ना, इट वॉज दैट कंडीशन। ठीक है, अब हम फोर्थ केस की ओर चलते हैं। क्या है वो, सपोज जो लिफ्ट है, आपको मालूम है जो लिफ्ट होती है वो ऊपर जो सपोर्ट होता है वहां से एक स्ट्रिंग्स के थ्रू, जो वायर्स होते हैं स्टील वायर्स, इनके थ्रू अटैच होती है। ठीक है, ये रिजिड सपोर्ट है, यहां से वो स्ट्रिंग्स के थ्रू अटैच होती है। सपोज दैट कि किसी वजह से जो स्ट्रिंग्स है वो कट हो गई, किसी भी वजह, कोई भी रीजन रहा हो, वो स्ट्रिंग क्या होती है, वो कट हो जाती है, टूट जाती है वहां से, तो क्या होगा, व्हाट विल बी द कंडीशन। इन दैट कंडीशन देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स दैट विल एक्ट ऑन द लिफ्ट और दिस होल सिस्टम, कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो इस पूरे सिस्टम पे काम करेगा। ठीक है ना, ओनली एक्सेप्ट द ग्रेविटेशन फोर्स, सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स है जो यहां से कट होने के बाद इस पूरे सिस्टम को अपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा। क्लियर हुआ? और अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट इज फ्री फॉल ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो लेट सी, तो देखो मैं यहां पे अगर इसको बना दूं इस तरह से, ये रहेगा। अब ये जो आपका एक्सेलरेशन है, नाउ दिस एक्सेलरेशन ऑफ द होल सिस्टम इन केस ऑफ फ्री फॉल, इट विल बिकम इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन दिस केस व्हेन इट इज इन केस इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल, देन एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो व्हाट इज द केस फॉर, fourth case is lift is in state of free fall, lift is in a state of free fall, and if the lift is in a state of free fall, in that case acceleration is equal to small g, jo acceleration hoga wo kiske equal ho jayega, g ke equal ho jayega, isn't it? ठीक है, now what, therefore net force is equal to mg minus r, whole system is moving downward, clear? net force इस तरह से निकालोगे, therefore net force, now using second law of motion, net force is equal to mass into acceleration, so mg minus r is equal to m into a, so mg minus ma is equal to r, okay,
मैंने साइड चेंज कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आर को उधर कर दिया, ये चीज इधर आ गई, ये इस तरह से आ जाएगा स्टेटमेंट। नाउ वी आर पुटिंग दिस वैल्यू, एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट बिकम्स इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड देयरफॉर mg माइनस mg इज इक्वल टू r, ब्रैकेट में a इज इक्वल टू g एंड यू विल सी r इज इक्वल टू 0। Means, in this case, when the lift is in a state of free fall, the apparent weight of the body or a whole system will be zero. इस person का जो इस weighing machine पे है, वो person जब इस weighing machine पे खड़ा है और lift पूरा free fall की state में आ जाएगा, तो ऐसी condition में इस person का जो apparent weight है, वो क्या हो गया? Zero हो गया. That is, it is the state of weightlessness. It is the state of weightlessness. So you can write here, it is the state of weightlessness. What is the state of weightlessness? Where the person or any object appears as its apparent weight is zero. Weightlessness एक ऐसी कंडीशन है जहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन अपने वेट को जीरो अज्यूम करता है, उसका वेट वहां पे क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरा जो वेट है वो जीरो हो गया, हम एकदम वी आर लाइट लाइक अ फेदर, पंख, एक छोटे से पंख की तरह हम यहां पे क्या हो गए? हल्के हो गए। एंड दैट इज स्टेट ऑफ वेटलेसनेस एंड इट इज आर इज इक्वल टू जीरो एंड व्हाट इज द कंडीशन? इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो एक ये कंडीशन। अब एक कंडीशन और भी है जिसको हम यहां पे ऐड कर सकते हैं, दैट इज द फिफ्थ केस। एंड व्हाट इज द फिफ्थ केस? सो व्हाट इज द फिफ्थ केस? फिफ्थ केस इज नाउ दिस स्ट्रिंग्स आर डिटैच्ड, ये स्ट्रिंग कट हो चुकी है और अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सेप्ट ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो ये आपका जो स्टेट ऑफ फ्री फॉल की कंडीशन में आ जाएगा। पूरा जो आपका अरेंजमेंट है वो स्टेट ऑफ फ्री फॉल की कंडीशन में आएगा, ठीक है ना? बट सपोज एक फोर्स है जो इसे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है, कैसे भी हो सकता है? ओनली असम्पशन कि देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स एक्सेप्ट ग्रेविटेशन फोर्स, ओके, इट दिस फोर्स पुशेस द लिफ्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस फोर्स pushes the lift vertically downward. ये जो force है पूरी lift को vertically downward direction में push कर रहा है. That is एक external force इस lift पे इस arrangement पे downward direction में apply किया जा रहा है. And in this case, the of course motion of the lift will be vertically downward. But what about the acceleration? What about the acceleration? This acceleration will be greater than acceleration due to gravity. This acceleration will be greater than acceleration due to gravity. So in this case, what will be the case? Lift is acted upon by an external force capital F. आप इसको ऐसे कह सकते, ठीक है? और जब ये कंडीशन आएगी तो जो एक्सेलरेशन वो क्या हो गया? ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डन। नेट फोर्स द सेम प्रोसेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड mg माइनस r। अब आपको मालूम है mg विल बी ग्रेटर देन r, इसीलिए मैं नेट फोर्स को ये लिखा हुआ है। नाउ व्हाट? mg माइनस r इज इक्वल टू m इनटू a। This implies mg is minus ma is equal to r. mg minus ma is equal to r. And this implies. अब यहाँ पे हम ये condition use कर सकते हैं. A is greater than g. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो as a is greater than g, therefore mg माइनस एम ए इज नेगेटिव। एम जी माइनस एम ए विल नेगेटिव। व्हाई इट इज? बिकॉज ए इज ग्रेटर देन जी, देयरफॉर दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन एम जी एंड देयरफॉर दिस होल
वैल्यू इज नेगेटिव, दैट इज R, दिस R इज नेगेटिव। मीन्स आपका ये जो एपरेंट वेट है वो अब क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो गया है इसका मतलब क्या है कि एम ए, ओके इट इज एम ए एम जी, इसकी वजह से वो नेगेटिव आया है, और इसीलिए वो जो आपका एपरेंट वेट है आर, वो उस पर्सन को अपनी उस पोजीशन से ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट कर लेगा, और वो पर्सन इस लिफ्ट का जो रूफ है दिस वन, यहां पे आके क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। वो जो पर्सन है वो इस आर की वजह से, बिकॉज आर बिकम ग्रेटर, और इसकी वजह से ये क्या होगा, ऊपर की ओर शिफ्ट जाएगा, और ऊपर वो इसके लिफ्ट की शीट, उस पर जो रूफ है उस पर जाके स्टिक हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज नाउ एक्सीलरेशन बिकम्स ग्रेटर देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि ये जो आपने फोर्स अप्लाई किया है वो बेसिकली किस पे अप्लाई किया गया है, लिफ्ट पे, ठीक है, यानी इस पर्सन तक इस फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा, सही है, और इसीलिए ये जो आपका लिफ्ट है वो इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में आएगा, और इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ग्रेविटी। डन, बट व्हाट अबाउट द कंटेंट्स इनसाइड द लिफ्ट, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पर्सन, एंड देयरफॉर दिस पर्सन इज अगेन इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल, देयरफॉर दिस पर्सन इज अगेन इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल, ओके, and therefore acceleration of this person is small g, clear, but the lift has greater acceleration than the person inside the lift, aur isiliye ye jo aapki lift hai us person ke respect mein tezi se niche aayegi aise, aur ek condition aise hi hogi ye lift aati hai aur is person ke head se stick kar jayegi aur usko leke fir downward direction mein shift hone lagegi। तो हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना, ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म है, आप उसका चाहो तो इस तरह से निकाल के लगा सकते हो, अदरवाइज स्टेटमेंट में हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द वेरिएशन इन द एपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन व्हेन द लिफ्ट इज इन डिफरेंट कंडीशन ऑफ मोशन, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ओके। अब देखिए इस पे जो आपको क्वेश्चन मिलता है वो कैसे मिलता है, देयर विल बी अ मंकी, अ रोप इज हैंगिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट एंड अ मंकी ऑफ सम वेट इज एक्सेलरेटिंग वर्टिकली अपवर्ड, दैट इज मंकी इज क्लाइंबिंग विद एन एक्सेलरेशन, सो व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एक्सेलरेशन दैट द मंकी, दैट शुड द मंकी कंटेन सो दैट द स्ट्रिंग डू नॉट ड्रैग, बिकॉज हर स्ट्रिंग के लिए एक पर्टिकुलर टेंशन होता है जो वो कैरी कर सकता है, उससे ज्यादा अगर टेंशन होगा तो ब्रेक हो सकता है, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही लिफ्ट की कंडीशन पे, ठीक है, ऐसे ही आपका जो पैराशूट से रिलेटेड है, मीन्स एन हेलीकॉप्टर, और उस हेलीकॉप्टर से रोप नीचे की ओर हैंग कर रही है, एक पर्सन है जो किसी वजह से उसको रेस्क्यू करने के लिए रोप को हैंग किया गया है, और वो उसको पकड़ के उस पर ऊपर की ओर चढ़ेगा, ठीक। तो यहां भी वही कंडीशन है कि उस रोप की एक पर्टिकुलर लिमिट है, तो उस रोप को ब्रेक करने से बचाने के लिए वो जो पर्सन है जो अपवर्ड डायरेक्शन में क्लाइंब करेगा उसका मिनिमम एक्सेलरेशन या मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जिससे कि आपकी जो रोप है वो ब्रेक ना हो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इसी कंडीशन में मिल जाएंगे, इज दैट क्लियर, ओके, सो टेक केयर, थैंक यू।